ग्वालियर शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले महाराजा बाड़े के पास स्थित टोपी बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्ट्रीट लाइट को ठीक कर रहे नगर निगम कर्मचारी की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक निगम कर्मी अपने एक लाइन मैन के साथ निगम की गाड़ी की ट्रॉली पर चढ़कर हेल्पर के रूप में स्ट्रीट लाइट ठीक करने चढ़ा था, तभी वह हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल कर्मचारी को लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर नगर निगम के विद्युत विभाग में हेल्पर के रूप में अनियमित पद पर कार्य कर रहे पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में रहने वाले 30 वर्षीय कर्मचारी लाल चौहान अपने अन्य दो साथियों के साथ महाराज बाड़े पर स्थित टोपी बाजार में स्ट्रीट लाइट को ठीक करने पहुंचा था, जहां हाइड्रोजन मशीन की मदद से लाल सिंह चौहान एक अन्य लाइनमैन के साथ नगर निगम की गाड़ी के कैबिन में बैठकर खंभे पर लगी स्ट्रीट लाइट को ठीक कर रहा था। तभी अचानक पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में वहां टच हो गया। हाईटेंशन लाइन में टच होते ही लाल सिंह चौहान झुलस गया और कैबिन में नीचे गिर गया, जिसे देख उसके साथियों ने तत्काल गाड़ी को पीछे कर उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां लोगों की मदद से हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने पर उसे घायल हालत में जया रोग अस्पताल भेजा, जहां अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर लगते ही नगर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मर कायम करते हुए हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक लाल सिंह चौहान के साथ काम कर रहे लाइनमैन रामेश्वर पाल ने बताया कि वह टोपी बाजार में एक बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने पहुंचे थे। इसके बाद में लाल सिंह नगर की गाड़ी की ट्रॉली में बैठकर स्ट्रीट लाइट को ठीक कर रहे थे। लाइट ठीक कर ही रहे थे कि तभी एक धमाका हुआ और लाल सिंह जादौन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे घायल हालत में जया रोग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी राजीव गुप्ता ने बताया है कि फोन पर सूचना मिली थी कि टोपी बाजार में एक नगर निगम की बिजली विभाग का कर्मचारी बिजली के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर घायल कर्मचारी को इलाज के लिए जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसका परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जांच की जा रही है। का काम कर रहे थे, बंद था वो, तो क्या है ना, मैंने उसको सामान के लिए कहा, बगल में हाई टेंशन थी, जाने समझ में नहीं आई इसका है ना सिर टकरा गया कि हाथ टकरा गया, और है ना एकदम है ना भागा हुआ। डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, अब अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते, अपन डॉक्टर तो है ही हैं। नगर निगम के कर्मचारी या लिफ्ट गाड़ी लेकर के आए थे, उसमें खड़े होकर के 11 मीटर की ऊंचाई पे वो ठीक कर रहे थे, तभी जो है बगल से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में उनका हेल्पर आ गया, जिसको करंट लगने से घायल हो गया था। इसको इलाज के लिए दे गए थे जीएच में, बता रहे हैं वहाँ ये खत्म हो गया।